हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कस ऑन इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने कुछ पिछली वीडियोस में इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक्स किए हैं, अब आगे हम फर्दर टॉपिक्स करेंगे। फर्स्ट है ओवरटोन्स। ओवरटोन्स क्या होते हैं? ये हाई फ्रीक्वेंसी के बैंड होते हैं जो कि जो फंडामेंटल बैंड फ्रीक्वेंसी है उसके पास या उससे थोड़ी सी दूर इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं उनके। जो ओवरटोन्स है वो डबल होते हैं फ्रीक्वेंसी में फंडामेंटल के कंपेयर में, उसको हम फर्स्ट ओवरटोन्स कहते हैं। और जो ट्रिपल होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बैंड के, उसको हम सेकंड ओवरटोन कहते हैं। और इसी तरह आगे फर्दर हम उनको ओवरटोन्स को वो करते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का, सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल कंपाउंड का लेंगे। इसके अंदर क्या है, ओवरटोन्स है वो 3200 से 3550 सेंटीमीटर इनवर्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि दो टाइम्स इस ज़्यादा हैं। तो ये फर्स्ट ओवरटोन है। आगे है कपलिंग पिक्स। कपलिंग पिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एडिशनल बैंड होते हैं जो कि कम्बिनेशन से बनते हैं दो फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के, या तो उनका एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है। इसमें हमने दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ली हैं ए एंड बी, जिनको ऐड किया है। ऐड करने के बाद ए प्लस बी इनवर्स सेंटीमीटर होगा और डिफरेंस इनका ए माइनस बी इनवर्स सेंटीमीटर होगा। और इनकी इंटेंसिटी है जो लो होती है एज कंपेयर टू फंडामेंटल बैंड्स। आगे है फर्मी रिजोनेंस। फर्मी रिजोनेंस क्या है, ये जो ओवरटोन्स और कम्बिनेशन बैंड होते हैं वो बहुत कम इंटेंस होते हैं एज कंपेयर टू फंडामेंटल बैंड्स। और जो एनर्जी है फंडामेंटल वाइब्रेशन की वो क्लोज होती है, जो एनर्जी होगी वो क्लोज होगी, फंडामेंटल बैंड की एनर्जी क्लोज होगी ओवरटोन और कम्बिनेशन बैंड के। और जो एनर्जी होगी वो बाद में ट्रांसफ़र हो जाएगी फंडामेंटल बैंड के अंदर, फंडामेंटल बैंड से एडिशनल वाइब्रेशन की तरफ। तो ये जब ये इंक्रीज होगी इंटेंसिटी ओवरटोन और कम्बिनेशन बैंड की, क्योंकि जो फंडामेंटल वाइब्रेशन बैंड है वो अपनी इंटेंसिटी ट्रांसफ़र करेंगे ओवरटोन और कम्बिनेशन बैंड के अंदर। तो इस कपलिंग को हम फंडामेंटल बैंड और एडिशन बैंड के बीच में जो कपलिंग हो रही है उसको हम फर्मी रिजोनेंस कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो भी जिसकी उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पढ़ेंगे जिस रीजन में वो अब्जॉर्प्शन बैंड्स देते हैं। जैसे सी सिंगल बॉन्ड एच होगा, एल्केन्स प्रेजेंट होगे तो ये 2850 से 2960 के बीच में अपना बैंड शो करेंगे। डबल बॉन्ड सी एच होगा, एल्केन्स प्रेजेंट होगे तो ये 3010 से 3100 तक अपनी फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन्स होगा वो 3300 तक देंगे सी एच। जब एरोमेटिक रिंग होगा, यहाँ पे एल्कीन एल्काइन और एल्कीन एल्काइन्स थे, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग के अंदर सी एच बॉन्ड की होगी 3000 से 3100 तक। एल्डिहाइड की 2650 से 2880 तक। एल्केन्स आ गए, यहाँ पे ऊपर हमने सी एच बॉन्ड का पढ़ा था, अब यहाँ पे सी सी बॉन्ड का पढ़ेंगे तो 600 से 1500 तक देगी ये सी डबल बॉन्ड। एल्केन्स में 1620 से 1680 तक। आगे है एल्काइन्स सी ट्रिपल बॉन्ड सी के बीच में 2100 से 2660 तक। अब आगे एरोमेटिक रिंग सी डबल बॉन्ड सी के बीच का होगा 1500 से 1600 तक। अब यहाँ पे सी और ओ बॉन्ड का एल्डिहाइड एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड या इथर्स कुछ भी हो सकते हैं इनमें से 1000 से 1300 तक होगा। अब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर कुछ भी हो सकता है 1680 से 1760 तक होगा। यहाँ पे ओ एच मोनोमेरिक एल्कोहल या फिनोल हो सकते हैं 3600 से 3650 तक होगा ओ एच। जब हाइड्रोजन बॉन्डेड एल्कोहल और फिनोल्स होंगे या हाइड्रोजन बॉन्डेड एसिड होंगे तब ये इस रीजन में अपना अब्जॉर्प्शन बैंड शो करेंगे। अब एन एच अमीन्स होंगे 3300 से 3500 तक। अमीन सी और एन के बीच में, यहाँ पे एन एच का बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी शो करेगी यहाँ पे ये सी और एन के बीच में 1180 से 1360 तक। अब यहाँ पे सी
ट्रिपल बॉन्ड एंड यहाँ पे नाइट्राइल्स होंगे, नाइट्राइल्स होंगे, तो 2210 से 2260 तक ये NO2 नाइट्रो कंपाउंड्स 1330 से 1540 तक होंगे। अब हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन, वो आइडेंटिकल है या नहीं दूसरे सब्सटेंस की, इसकी हम पहचान कर सकते हैं। जैसे जब कोई भी अब्जॉर्प्शन बैंड आएगा, दो आइडेंटिकल सब्सटेंस हो गए तो उनका बिल्कुल सेम अब्जॉर्प्शन बैंड होगा, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होगा। और अगर डिफरेंट होंगे तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो मतलब वो कंपाउंड सेम नहीं है। जो कंडीशन होगी स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करने की, जैसे फिजिकल स्टेट होगी सैंपल की, सॉल्वेंट होगे या फिर कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा डिफरेंट, तो स्पेक्ट्रा डिफरेंट आएगा डिफरेंट कंडीशन के ऊपर। तो अब हम इससे क्या बोल सकते हैं, जो इनेंशियोमेरिक कंपाउंड है, जो आइसोमर शो करते हैं, उनको हम वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल स्पेक्ट्रा देंगे, तो हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब उनके बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते। अब आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हेल्पफुल है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को की डिटर्मिनेशन में। जैसे हम एग्जामिनेशन करते हैं अब्जॉर्प्शन बैंड के स्पेक्ट्रम का, उसकी पोजीशन का कहाँ पे है, तो इससे हम बता सकते हैं कि कौन से नेचर का ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, कौन सा मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे हमने कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, तो कार्बोनिल कंपाउंड की 1717 इनवर्स सेंटीमीटर के अंदर अब्जॉर्प्शन बैंड शो करेंगे। तो हम अगर इस पे कोई भी, जैसे 1.7 की फ्रीक्वेंसी पे इस टाइप का कोई भी बैंड शो हो रहा है, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम अब्जॉर्प्शन बैंड की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रुप कौन सी उसमें प्रेजेंट है। अगे स्टडी ऑफ रिएक्शन प्रोग्रेस, जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये स्टडी में भी हेल्प करती है रिएक्शन प्रोग्रेस की। जब प्रोग्रेस होगी केमिकल रिएक्शन की, तो क्या होगी, स्मॉल पोर्शन में रिएक्शन मिक्सर डालेंगे हम टाइम टू टाइम, तो इसका छोटा छोटा स्पेक्ट्रा मिलता रहेगा हमें, और जो रेट होगा डिसअपियरेंस का रिएक्टेंट का, और बनेगा जब रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बनेगा और डिसअपियरेंस होगा रिएक्टेंट का, तो उससे हम रिएक्शन की प्रोग्रेस को पता लगा सकते हैं। इसके अंदर हम एग्जांपल करेंगे जैसे हाइड्रोक्साइल ग्रुप ले लिया हमने कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, जैसे हमने हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उसको डाला कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, तो जब इसके कार्बोनिल ग्रुप के अंदर था तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये थी, इसके बीच में थी, तो मतलब क्या है, जब अपीयरेंस हो रहा है कार्बोनिल ग्रुप का, तो जब हम इसका बाद में क्या होगी 1680 से 1760, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है अल्कोहल का कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, तो डिसअपीयरेंस हो रहा है OH ग्रुप का, और ये COOH बना रहा है या कोई और ग्रुप बना रहा है, तो इसे हम पता लगा सकते हैं कौन सा ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है। आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज। अब हम जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें इसका हेल्प करते हैं इम्प्योरिटीज को डिटर्मिनेशन करने के। जैसे कोई भी सैंपल दे दिया कंपाउंड का, वो प्योर है या नहीं है, वो हम स्पेक्ट्रम की हेल्प से पता लगा सकते हैं। जैसे प्योर कंपाउंड है, उनका स्पेक्ट्रा हमें पहले ही दिया हुआ है, अवेलेबल है हमारे पास, तो उनका कंपेयर करके हम पता लगाएंगे कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। इसके अंदर एग्जाम्पल लिया है प्रेजेंस ऑफ कीटोन इज एन इम्प्योरिटी ऑफ एन एल्कोहल, मतलब कीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, ये कीटोन है, और एल्कोहल जैसे सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे एच, ये एल्कोहल है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो इम्प्योरिटी होगी कीटोन के एल्कोहल के अंदर, वो पुअर स्पेक्ट्रम देगी, और इसके अंदर एडिशनल बैंड भी होंगे क्योंकि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इससे इम्प्योरिटीज़ का भी पता लगा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।